कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप अपने फोन से ही पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। काफी लोगों के बहुत सारे सवाल है कि आखिर हम फोन से पैसे किस तरीके से कमाएं, कि आपको दो एप्लीकेशन बताऊंगा। दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, पर उनके बारे में आपको ये पता नहीं होगा कि आखिर इनसे आखिर हम पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं चलिए आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पे ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूट्यूब की और फेसबुक की। अगर आप एक एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो आप अपने फोन के अंदर ये दो एप्लीकेशन तो जरूर ही चलाते होंगे। अब इन दोनों एप्लीकेशन से आखिर किस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, YouTube के बारे में तो सभी को पता ही है, ठीक है, कि आखिर YouTube से पैसे मिलते हैं। अब आखिर Facebook से पैसे किस तरीके से मिलते हैं वो भी चलिए हम जान लेते हैं, और आखिर YouTube में और Facebook में दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, Facebook यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2004 में, ठीक है, इसी के साथ में जो YouTube यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2005 में। कहने का मतलब है Facebook एक साल पहले यहाँ पर YouTube से लॉन्च हो चुका था। इसी के यहाँ पर डाउनलोडिंग की बात कर लेते हैं, 2.7 बिलियन यानी कि YouTube की डाउनलोडिंग यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर 3.3 बिलियन यानी कि Facebook की डाउनलोडिंग हो रही है। इन दोनों एप्लीकेशन की इतनी तो यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो बाजी मार जाती है वो है Facebook, ठीक है, क्योंकि Facebook की डाउनलोडिंग ज़्यादा अधिक हो रही है। अब यहाँ पर जो पैसे कमाने को लेकर यहाँ पर आपको दोनों ही पेज आपको मोनेटाइजेशन करने होंगे, ठीक है, तभी आप यहाँ पर Facebook से और YouTube से पैसा कमा सकते हैं। और आखिर इन दोनों में क्या क्या अंतर है, कितनी कितनी हमें यहाँ पर टर्म कंडीशंस को कंप्लीट करना होता है। अब इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं आखिर व्यूज कंटेंट को लेकर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप 30 सेकंड की यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पर तो आपका जो पेज है वो यहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा 10 मिलियन अगर आपके व्यूज आ जाते हैं तब, ठीक है, तो जो आपका चैनल है YouTube वो आपका मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इसी के साथ में अगर आप Facebook की बात कर लेते हैं, अगर आप 60 सेकंड से कम की वीडियो यहाँ पर बनाते हैं जो रील्स है, या फिर आप या तो लॉन्ग वीडियो यहाँ पर बनाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका वॉच टाइम है वो यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप 60 सेकंड से कम की वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर आपका जो वॉच टाइम है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो Facebook है वो यहाँ पर टोटल वॉच टाइम को ही काउंट करता है, और तभी आपका यहाँ पर मोनेटाइजेशन होगा। व्यूज आखिर घंटे को लेकर, ठीक है, किसके यानी कि कितने यहाँ पर हमें घंटे कंप्लीट करने होंगे। यूट्यूब के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 4000 जो घंटे हैं वो आपको YouTube पर आपको वॉच टाइम के कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ में आप बात कर लेते हैं Facebook की, तो Facebook पर आपको 10,000 घंटे हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। इसी के साथ में आखिर हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर Facebook पर ज़्यादातर किस तरीके की वीडियो देखी जाती है और YouTube पर आपको किस तरीके की वीडियो देखने को मिल जाती है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या तो अटेंडमेंट की वीडियो, उस पर हर तरीके की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियो, और ये इस तरीके की वीडियो YouTube पर चल भी जाती हैं, ठीक है, पर Facebook पर ऐसी वीडियो जल्दी नहीं चलती है, क्योंकि Facebook है वो एक एंजॉय से रिलेटेड है, तो वहाँ पर अगर आप एंजॉय से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, जैसे कि घूमने फिरने वाली या फिर कुकिंग की या फिर मस्ती वीडियो आप Facebook पर अपलोड करेंगे तभी आपकी यहाँ पर वीडियो वो चलेंगी। तो ये दोनों में इतना यहाँ पर अंतर है, ठीक है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी की वीडियो Facebook पर डाल देते हैं तो उन्हें जल्दी कोई भी नहीं देखेगा, यानी कि 12 मंथ में 4000 घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं, और जो 10,000 घंटे हैं Facebook पर वो आपको मात्र 2 महीने में यानी कि 60 दिन में आपको कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइबर्स की और फॉलोअर्स की, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं YouTube के लिए तो आपका जो पेज है यानी कि YouTube पेज है वो आपका मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जो आपका Facebook पेज है, ठीक है, तो वहां पर आपके 10,000 फॉलोअर होना चाहिए कंप्लीट, तभी आपका जो Facebook पेज है वो मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं बूस्ट को लेकर। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर प्रमोट नहीं करवाते हैं पैसे देकर, ठीक है, तो YouTube है वो किसी भी चीज के लिए नहीं बोलता है कि आप कहीं पर पैसे दीजिएगा या फिर हमें पैसे दीजिएगा, पर ऐसा यहाँ पर नहीं बोला जाता है YouTube पर, ठीक है। इसी के साथ में Facebook है वो समझो आपकी एकदम जान ले लेगा, कहने का मतलब कहेगा कि बूस्ट करे इसे बार बार, ठीक है, आपको वहां पर नोटिफिकेशन हमेशा देता ही रहेगा। तो ये दोनों में ये भी अंतर है लगे हाथ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कमाई को लेकर, ठीक है, कि आखिर कमाई YouTube सबसे ज्यादा होगी या फिर Facebook पर ज्यादा होगी। व्यूज आखिर यानी कि 1 मिलियन जो व्यूज है वो Facebook पर है, इसी के साथ में 1 मिलियन व्यूज है वो आपके YouTube वीडियो पर है, ठीक है, तो इन दोनों में आखिर कमाई सबसे ज्यादा किस पर होगी। तो मैं आपको बता दूं सीधे साफ साफ, जो कमाई है वो YouTube पर ही ज्यादा होगी, ठीक है, Facebook पर जो एड है वो यहाँ पर कम चलते हैं, तो वहां पर जो कमाई है वो आपकी कम होगी। इसी के साथ में
जो वीडियो है वो आपकी निर्भर करती है, वो वीडियो आपकी किस कैटेगरी की है, ठीक है। तो इस पर भी यहाँ पर निर्भर करती है, क्योंकि उसी हिसाब से जो आपकी वीडियो है उस पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड लगाए जाते हैं और वो एड लोगों को दिखाए जाते हैं। तो वो एड के ऊपर निर्भर करती है कि आखिर जो आपकी कमाई है वो आखिर कितनी होगी। तो जो आपकी कमाई है वो हमेशा यूट्यूब पर ही अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो आपकी अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो हो सकता है लमसम एक ही बराबर हो, पर यूट्यूब पर ज्यादा ही होगी, ठीक है, फेसबुक से ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर यूट्यूब पर ही डाल सकते हैं। तो यूट्यूब की वीडियो आप फेसबुक पर और डेली मोशन है, जो कि वहां पर आपको मोनेटाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पहले ही वीडियो डालेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो वहां पर आपको किसी भी तरीके की जो कि टर्म कंडीशंस की जरूरत नहीं होती है कि आपके इतने फॉलोवर्स होना चाहिए या फिर आपकी वीडियो पर इतने व्यूज आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप पहली वीडियो वहां पर अपलोड करते हैं, डेली मोशन है, तो वहां पर आपका जो पेज है वो वहां पर मोनेटाइजेशन हो जाता है। पहले जब यूट्यूब शुरू में आया था तो वहां पर आपको 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 घंटे की कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी, वहां पर आपके सिर्फ 10000 जो व्यूज हैं वो आपकी वीडियोस पर आ जाते और जो आपका यूट्यूब पेज है वो यहां पर मोनेटाइजेशन कर दिया जाता था, ठीक है। पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जो 4000 घंटे हैं इसी के साथ में आपका 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 3000 घंटे हो जाते हैं, तो आपका जो पेज है यानी कि यूट्यूब पेज वो आपका हाफ मोनेटाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अब आपको दो तरीके मिल जाते हैं, या तो आप 10 मिलियन व्यूज कर लीजिएगा 90 दिन में, या फिर आप 4000 घंटे कर लीजिएगा 12 मंथ में, ठीक है, और 1000 आपके सब्सक्राइबर्स तो होना जरूरी है, ठीक है। तो इससे यह है कि जो आपका यूट्यूब पेज है वो आपका फुल मोनेटाइजेशन कर दिया जाता है और जो भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा होता है वो आपका यहाँ पर मिलता रहता है। अगर लॉन्ग वीडियो के थ्रू करते हैं तो आपका 55% मिलता है, इसी के साथ में अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू करते हैं तो आपको 45% मिलता है। YouTube आपको यहाँ पर 45% देता है अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू करते हैं तब, और 55% वो YouTube खुद रखता है। तो दोस्तों ये कुछ थी इन दोनों के बारे में। अगर आप ब्लॉगिंग की वीडियो बनाते हैं तो आप वही वीडियो आप YouTube पर भी अपलोड कर सकते हैं, Facebook पर भी अपलोड कर सकते हैं, और इसी के साथ में बहुत सारे जो कि पेज हैं जो कि आप उन पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उनसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसी के साथ में अगली वीडियोस में हम जानेंगे आखिर ब्लॉगिंग हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए आखिर हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कि आखिर हम ब्लॉगिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।